जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर सबकी बड़ी खबर के साथ। एक बात देखिए सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान के चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पीछे पड़ गए लोग, जोरदार तरीके से मारपीट की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में आपको बताएंगे कमलनाथ ने अफसरों को दे दी धमकी, स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि किन किन अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने एक बार फिर से अपने सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री का कर दिया है अपमान। बीजेपी के अंदर आपस में फूट को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उसी के साथ में चुनाव के बाद गुंडे की धमकी देता हुआ बीजेपी का नेता पकड़ा गया है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी शिकायत दर्ज करा दी गई है। इसी के साथ में आपको बताएंगे सिद्धरमैया के नेतृत्व में तेलंगाना कांग्रेस के बड़े नेता रेवंत रेड्डी ने आखिरकार अपना नामांकन दाखिल कर दिया और बीआरएस पार्टी के लिए उल्टी गिनती भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे राजस्थान के अंदर बीजेपी जो 7 गारंटी दे रही है, इसमें एक ऐसी गारंटी है जिसे लेकर भाजपा की जमकर आलोचना हो रही है। बताएंगे क्या है पूरा मामला और बीजेपी ने परिवारवाद के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ी है दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी की जमकर आलोचना हो रही है। बताएंगे आपको परिवारवाद के एक बड़े नेता को बीजेपी ने बड़े अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश तेलंगाना इस बार एकदम से अलग नतीजे देने वाला है, इंडिया गठबंधन को जोरदार समर्थन मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में पहुंचे थे। एक बार फिर से ओबीसी कार्ड खेलते हुए राहुल गांधी ने जनता को समझाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर 53 अफसर है जो सारे फैसले लेते हैं, इनमें से मात्र एक ऐसा अफसर है जो ओबीसी समुदाय से आता है, जबकि मध्य प्रदेश के अंदर भी 60% के आसपास ओबीसी समुदाय के वोट है। लेकिन इसके बावजूद ओबीसी समुदाय से आने वाले एकमात्र ऑफिसर है जो बजट को लेकर फैसला लेते हैं, यानी केंद्र में जिस तरीके से भाजपा सरकार ने ओबीसी अफसरों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया है, मध्य प्रदेश के अंदर भी यही करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी की ओर से भाजपा सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों वहीं पर खंडवा के अंदर जनसभा को संबोधित कर रहे थे कमलनाथ, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मैं आदिवासियों के दुख दर्द को समझता हूं, प्रदेश के क्या हाल है ये सब मैं जानता हूं, हमें किसानों बच्चों और नौजवानों के भविष्य की चिंता है, क्षेत्र का युवा कमीशन नहीं रोजगार चाहता है, अपना भविष्य बनाना चाहता है। इसके बाद उन्होंने अफसरों को भी चेतावनी दी है। दोस्तों कमलनाथ ने यहां से टिप्पणी करते हुए कह दिया कि कल के बाद परसों भी आता है जो प्रशासन बीजेपी की गुलामी कर रहा है, कान खोल कर सुन ले, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सिर्फ 6 दिन शेष बचे हुए हैं। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रायपुर दक्षिण से बीजेपी के प्रत्याशी ब्रज मोहन अग्रवाल के साथ 5 से 7 युवकों ने जमकर धक्का मुक्की और मारपीट की है। इस घटना के बाद अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में कोतवाली थाने पहुंचे और धरना देने लगे। इस घटना के बाद बीजेपी के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ विरोध कर रहे हैं, प्रचार के दौरान ये घटना घटी है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ये घटना उस समय हुई जब रायपुर के अंदर बैजनाथ पारा में प्रचार कर रहे थे। बैजनाथ पारा में प्रचार के दौरान एवरग्रीन चौक के पास कुछ लोगों ने ब्रजमोहन के पास आए और उनके साथ मारपीट करने लगे। विवाद बढ़ने के बाद युवकों ने उनके साथ जोरदार मारपीट की है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक मदरसे में जाकर शरण ली है। सोशल मीडिया पर उनके इस पूरे मामले को लेकर लोग शेयर करते हुए कह रहे हैं कि भाजपा के लोग पूछते हैं कि मदरसे में क्या है, उनको जान बचाने के लिए मदरसे में घुसना पड़ा है। अब हो सकता है कि बीजेपी के लोग नहीं पूछे क्योंकि उनकी जान मदरसे ने ही बचाई है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जयपुर की 19 सीटों पर 119 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिए हैं, इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के बागियों ने नामांकन वापस लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के ही सबसे ज्यादा बागी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके साथ में मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व बीजेपी के विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों वहीं पर उमा भारती का प्रचार का एक कार्यक्रम लगाया गया था। मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले उमा भारती ने हिमालय जाने की बातें कही थी, लेकिन अब उमा भारती के कार्यक्रम कई जगह होने वाले थे। सागर जिले के अंदर उनकी 2 सभाएं होने वाली थी और रायसेन के अंदर भी उनकी सभा होने वाली थी। उमा भारती स्टार प्रचारक नहीं है, इसीलिए उन्हें कोई हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं हो सका है। अगर वो अकेले हेलीकॉप्टर से सभा में जाती तो खर्चा प्रत्याशी के खाते में जुड़ जाता, और क्योंकि वो बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक नहीं बनाई गई है तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किसी प्रत्याशी के लिए नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रत्याशियों के पास पैसे की लिमिटेशन होती है। उनको 40 से 45 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं चुनाव के लिए, और इससे ज्यादा खर्च करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है। और अगर कोई स्टार प्रचारक उनके क्षेत्र में आता है पार्टी की ओर से, तो स्टार प्रचारक के हेलीकॉप्टर के खर्चे और टेंट वेंट के कोई खर्चे प्रत्याशी को ऐड नहीं किए जाते हैं, उनके चुनावी खर्चे में ऐड नहीं किए जाते, पार्टी के खर्चे में ऐड किए जाते हैं। लेकिन उमा भारती को प्रचारक नहीं बनाया गया है तो उमा भारती का पूरा खर्चा प्रत्याशी के ऊपर डाला जाएगा, जिसके कारण कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। या दोस्तों कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री उमा भारती को एक तो प्रचारक नहीं बनाया गया, दूसरा उनसे प्रचार करने के लिए कहा जा रहा है, और इसके बाद उन्होंने प्रचार का प्रयास किया तो नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से उनका अपमान किया गया है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। सांसद मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर विधानसभा से विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी का धमकी भरा अंदाज सामने आया है। सीहोर विधानसभा से श्यामपुर में एक सभा को संबोधित कर बीजेपी के प्रत्याशी ने धमकी दी है। उन्होंने कहा
कहा कि विरोधियों को सरकार बनने के बाद देख लेंगे। साथ ही झारखेड़ा के अंदर संबोधित करते हुए बीजेपी के उम्मीदवार ने कहा कि बदमाशी करने वालों को चुनाव के बाद देख लेंगे। सीहोर विधानसभा के श्यामपुर से सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा का कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन देर होने के कारण मुख्यमंत्री ने जनता को मोबाइल से ही संबोधित किया। देर शाम ये सभा आयोजित की गई है। विधायक सुरेश राय इस दौरान संबोधित करते हुए कहने लगे कि विरोधी तत्व ऐसे स्तर पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं जैसे सल्तनत आज ही लुट गई हो, मगर चिंता मत करना, अपन जीतेंगे और सरकार बनते ही इनको भी समझ लेंगे कि कितनी गुंडागर्दी आपको आती है। यह मेरी और परिवार की शराफत है कि 10 साल में इनका कुछ नहीं करा, लेकिन अब इस आंख उठे तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इससे बड़ा कोई जवाब उनके लिए नहीं होगा। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा का प्रत्याशी, वो भी मुख्यमंत्री के जिले का, खुले तौर पर अपने विरोधियों को धमकी दे रहा है, यानी गुंडागर्दी के स्तर पर उतरने की बातें चल रही है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े कर्नाटका के नेता सिद्धरमैया, जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में सरकार बनाई है, रेवंत रेड्डी के नामांकन के लिए तेलंगाना पहुंचे, जहां पर रेवंत रेड्डी के नामांकन में शामिल होते हुए उन्होंने रेवंत रेड्डी को आशीर्वाद भी दिया है। कर्नाटका से सटे राज्य तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त दबदबा देखने को मिल रहा है दोस्तों, और आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां पर अच्छा परफॉर्म करने जा रही है जैसा कि तमाम ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। साथ साथ राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो 7 गारंटी दे रही है, उसमें एक गारंटी ये भी गिनवाई जा रही है कि गहलोत सरकार के जनहितैषी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, यानी भाजपा को राजस्थान में समझ में आ चुका है। जनता के बीच राजस्थान सरकार की जनहितैषी योजनाएं काफी स्तर तक पहुंच गई है, जनता को विश्वास हो चुका है कि अगर जनता के लिए कोई काम कर सकता है तो अशोक गहलोत है। उन्होंने करके भी दिखाया है, जनहित के कदम उठाए हैं, फैसले लिए हैं, और अब भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि लोगों को बीजेपी पर विश्वास नहीं है कि अगर बीजेपी की गलती से सरकार बन जाए तो गहलोत सरकार की सारी योजना भाजपा बंद ना कर दे, और इसीलिए भाजपा विरोधी लहर भी राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी इससे पहले कह रहे थे कि वो लोग सरकार बनने के बाद अशोक गहलोत सरकार के किसी फैसले को नहीं बदलेंगे, जनहित फैसले को नहीं बदला जाएगा, लेकिन ये बात तो तय है कि अब बीजेपी इसे वादे के तौर पर गिनवा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि भाजपा को लगता है कि जनता उस पर विश्वास नहीं कर रही है। साथ साथ दोस्तों दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाली, ग्वालियर के कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि जो लोग अभी घर बैठे हुए हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि मेरे घर के दरवाजे उनके लिए भी बंद हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों दिग्विजय सिंह ऐसे नेता है जो एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हैं, लगभग सभी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से उनकी जान पहचान है, सभी को नाम से बुलाते हैं, यानी संगठन के अंदर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। और अब ग्वालियर क्षेत्र के अंदर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ऐसे कोताही नहीं बरतना चाहिए, पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को प्रचार में जुटना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं कि वो प्रचार नहीं करेंगे, घर में बैठे हैं, उनके लिए मेरे दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। एक तरीके से दोस्तों उन्होंने जो मैसेज दिया है इसका दूर तक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता नहीं चाहता कि दिग्विजय सिंह उनसे नाराज हो जाए और एक बार फिर से कांग्रेसी कार्यकर्ता मैदान में उतर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और तमाम बड़े बीजेपी के लोग परिवारवाद के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका नया मुकाम सामने आया है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्रा को कर्नाटका का अध्यक्ष घोषित कर दिया है। विजेंद्रा जो बीजेपी के एमएलए हैं सिकारियापुरा से, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। जेपी नड्डा ने यह फैसला लिया है, इसकी जानकारी बीते दिन ही दे दी गई है। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता हैं जो नाराजगी व्यक्त करेंगे, लेकिन बीएस येदियुरप्पा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर क्या बीजेपी ने परिवारवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी है जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। भाजपा का परिवारवाद का एक ही डेफिनेशन है, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी परिवारवाद की वजह से है, तेजस्वी यादव परिवारवाद की वजह से है, अखिलेश यादव परिवारवाद की वजह से है, लेकिन भाजपा में कोई नेता नहीं है जो परिवारवाद की वजह से है। बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्रा को प्रदेश अध्यक्ष शायद बीजेपी ने उनका मेरिट देखकर बनाया है। कम से कम भाजपा के लोगों को अब तो जनता के सामने आकर परिवारवाद पर भाषण नहीं देना चाहिए। अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया है, तमाम बीजेपी के अंदर एक से एक बड़े एग्जांपल है। साथ साथ दोस्तों क्या राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आपस में साठगांठ है, एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिससे कांग्रेस पार्टी को यह बड़ा मुद्दा उठाने का मौका मिला है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने राजस्थान के बाड़मेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रियंका चौधरी को अपना समर्थन दिया है। आरएलपी के नेता उमेदाराम बेनीवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है। दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के नेता को समर्थन दिया गया है या फिर बागी नेता को समर्थन दिया गया है, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बागियों को बीजेपी ने राजस्थान में चेतावनी देते हुए कहा कि आपके लिए आज अंतिम समय है, अंतिम दिन है, अगर आप लोग वापस नहीं लौटे तो आपके लिए सारे दरवाजे पार्टी में बंद हो जाएंगे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता हैं जो वापस नहीं लौटे हैं, कई सारी सीटों पर बीजेपी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि भाजपा अपने नेताओं के माध्यम से अपने बागी लोगों को धमकियां दिलवा रही है। हालांकि धमकियों का कोई असर खास देखने को मिल नहीं रहा। साथ साथ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर यानी बीते दिन सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर साल हम दखल देते हैं तभी एक्शन क्यों
लिया जाता है। दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि हमें अब नतीजे देखने हैं, भाषण नहीं सुनना है। जस्टिस संजय किशन कौशल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला की बेंच ने सरकार से पूछा कि पिछले 6 साल में आप क्या कर रहे थे। शायद भगवान ने ही दिल्ली के लोगों की प्रार्थना सुन ली है क्योंकि बारिश हुई है। साथ साथ दोस्तों तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता है दयाकार, जिनको इस बार पार्टी ने फिर से टिकट नहीं दिया है। 2018 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक बार फिर से पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए जानकारी आ रही है कि उन्होंने फोन करके पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया है। यानी कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए कांग्रेस हितैषी फैसला वो ले रहे हैं, उनकी तारीफ भी होने लगी है। साथ साथ कांग्रेस की सोशल मीडिया पर वोट अपील की तैयारी, कमलनाथ ने विधानसभा वार तरीके से वोट मांगा है। हर विधानसभा के लिए उनका अलग से वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर शेयर भी किया जा रहा है। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत।